हेलो दोस्तों, हम जब भी ब्लाउज़ सिलते हैं हमें बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम हमारे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो आज ही हमने वीडियो बनाया है सिर्फ 20 मिनट में। तो हमने किस तरह से हमारे ब्लाउज़ को 20 मिनट में सिल के रेडी कर लिया, तो आप भी इसी तरह से अपने किसी भी ब्लाउज़ को फास्ट सिल सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। मैंने दोनों अपने कटोरी को रेडी कर लिया है और इस तरह से रख के मैं दोनों साइड में सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने दोनों कटोरी को अटैच कर लिया है। अब इस पर डबल सिलाई लगा के इसे पक्का करेंगे। हमने ये डबल पट्टी यहाँ पे कट करके रखी थी जिसे हम कमर की तरफ लगाएंगे। एक पल्ले पे लगाने के बाद आपको तुरंत ही दूसरे पल्ले को भी सेम लगाना है। अगर आप पहले एक पल्ले को पूरा रेडी करेंगे उसके बाद फिर दूसरे को रेडी करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से एक साथ ही दोनों पल्ले आप रेडी कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब इस पर आई पट्टी हुक पट्टी हम लगाएंगे। तो मैंने जो ये हुक पट्टी है इसे कपड़े सीधे कपड़े पे लगाया है। इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। आई पट्टी को मैंने इस तरह से पहले रखा है, उसके ऊपर मैंने हमारे फ्रंट पल्ले को रखा है। नीचे को पट्टी रख के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हम प्रेस सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो इसे हाथ से भी यहाँ पे आई बना सकते हो। हमें ब्लाउज़ को फास्ट तरीके से सिलना है इसलिए हमने यहाँ पे आई मशीन से ही बना लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम 5 आई बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 आई बना के रेडी कर लिए। जब हम पाइपिंग लगाएंगे उसके बाद फिर हम 5वां वाला आई रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आई पट्टी हुक पट्टी लगा ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। हुक पट्टी की तरफ की थोड़ी थोड़ी यहाँ पे गोलाई देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम सेंटर से पीछे के पल्ले को फोल्ड करेंगे। 4 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई भी हम 4 इंच लेंगे।
निशान को हम दूसरी तरफ पेस्ट कर लेंगे। हमने सिंपल राउंड नेक लिया है तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और उसे कट कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों पल्ले पे यहाँ पर टक्स लगा ली पीछे की साइड में, अब शोल्डर ज्वाइन करेंगे। फ्रंट पार्ट में इस तरह से थोड़ी गोलाई देते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे आगे और पीछे के साइड बराबर आते हैं या नहीं। थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा हो तो आप इस तरह से पट्टी से भी आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक इस तरह से पट्टी से मैंने सिलाई लगा ली और हमने कमर पट्टी जो लगाई थी उसमें से हमारा एडजस्ट हो गया है। तो दूसरी साइड में भी इसी तरह से शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। हमारे बाजू में इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड करना है, उसके लिए हमने पहले एक पट्टी को मोड़ा है, उसके बाद फिर डबल फोल्ड करेंगे। हमें तुरपाई करनी है इसलिए हमने यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई लगाई है। हमने एक साथ ही दोनों स्लीव्स भी रेडी कर लिए, तो इसी तरह आपको भी एक साथ ही दोनों साइड के पल्लू को रेडी कर लेना है। अब हम सेंटर से इस तरह से रखेंगे और इसमें फ्रंट आर्म होल की इस तरह से गोलाई कट कर देंगे। अगर आपको फास्ट ब्लाउज की स्लीव्स लगाना है तो आप सेंटर से पहले एक साइड की स्लीव को अटैच कीजिए, उसके बाद फिर डबल सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड की स्लीव्स को अटैच कीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और बाजू भी एक बराबर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो देखिए हमने सारे ब्लाउज पे सिलाई कर ली है, अब बस हमारे पाइपिंग बाकी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने सेम कपड़ा लिया है, इसे मैंने उरे भी कट कर लिया था। अब इस तरह से पट्टियों को जॉइन कर लेंगे। हमने पट्टी इस तरह से रेडी कर ली है, अब हम यहाँ पे थ्रेड लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे रेडीमेड थ्रेड लिया है, तो हम डोरी पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग को इस तरह से इंसर्ट करते हुए बिल्कुल आपको किनारे से सिलाई लगानी है। हमने पाइपिंग की पट्टी रेडी कर ली, अब इसे इस तरह से अटैच करेंगे। पूरे नेक पे हमने इस तरह से
से पाइपिंग को अटैच किया है। तो हमारी पट्टी अटैच हो चुकी, अब हमें बटन आई पट्टी देखना है। अगर एक बराबर आई है तो इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो उसके लिए इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे ताकि हमारी पाइपिंग फिनिशिंग से बन जाए। तो देखिए इस तरह से पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करना है, किनारे से सिलाई लगानी है। पूरे नेक पे इसी तरह से आपको यहाँ पे सिलाई चला लेनी है। अगर आप चाहें तो इसकी तुलपाई भी कर सकते हैं। तो हमने पूरे नेक पे इस तरह से पाइपिंग को लगा लिया है। अब हम इस पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम हमारे आई पट्टी हुक पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक।